बोले भंडारी, आज दिनांक 1 मई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। आज मजदूर दिवस है, आज मेहनत दिवस है। सुनो, वह देव शक्ति चिल्ला रही है, वह देव शक्ति चिल्ला रही है। मतलब जिस देव शक्ति ने दुनिया को पैदा किया है, वह अपने बच्चों को बचाने के लिए चिल्लाती रहती है कि बच्चों ये करो ये करो, लेकिन कोई सुनता नहीं। वह देव शक्ति चिल्ला रही है, भारत में आते बवंडर, जिसकी सब बात कर रहे हैं, भारत में आते बवंडर से बचने के लिए तुम सब मेरे पास आ जाओ, बच्चों तुम सब मेरे पास आ जाओ, और यही बचेंगे जो मेरे पास आ जाएंगे। और वह ये भी कह रही है कि वही बचेंगे जो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। वह देव शक्ति चिल्ला रही है, कह रही है कि भारत में आते बवंडर, भयानक बवंडर से बचने के लिए तुम सब मेरे पास आ जाओ, और यही बचेंगे जो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। अब भाई वो बड़ी शक्ति बोल रही है, तो इसको क्या लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो सुने या काम करें, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रश्न देखिए, लॉजिक को कैसे भी मोड़ा तक जा सकता है। अरे वह कैसी देव शक्ति है, वह कैसी देव शक्ति है जिसकी कुछ सुने ही नहीं। मतलब उस देव शक्ति ने कहा कि मैं पूरी दुनिया का, देश का उद्धार कर दूँगा यदि तुम मेरी सुन लो तो, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं। अरे वह कैसी देव शक्ति है, कैसी देव शक्ति है जिसकी कुछ सुने ही नहीं, और वह इतनी ही कमज़ोर देव शक्ति है कि जिसकी कोई सुने ही नहीं, तो वह क्या उद्धार करेगा। हाँ भाई, लोगों का तर्क सुन करके हम भी मानने लगे, भाई वाजिब प्रश्न है कि वह देव शक्ति हमारा क्या उद्धार करेगी जिसकी कोई सुनी नहीं रहा। जब वह इतनी कमज़ोर है कि कोई सुने ही नहीं, तो वह हमारा उद्धार नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, बड़ा तर्क दिया है। उत्तर देखिए, अब देव शक्ति का उत्तर देखिए। मतलब लोग चाहते हैं कि सारा काम वह देव शक्ति ही कर जाए। मतलब लोग चाहते हैं कि जब देव शक्ति ने ये किया ये किया ये किया, तो ये भी करना चाहिए उसको। मतलब लोग चाहते हैं कि सारा काम वह देव शक्ति ही कर जाए, यानी यदि वह देव शक्ति खेत में गेहूँ पैदा करती है, देखो उसने जगह जगह क्या पेड़, फल, नाले, नदियाँ, सारी कंस्ट्रक्शन उसका है, उसने पैदा किए हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि देव शक्ति सारा काम कर जाए, यानी यदि वो देव शक्ति खेत में गेहूं पैदा करती है, तो उस गेहूं को काट कर, उसको निकाल कर, उसको पीस कर, उसकी रोटी भी देव शक्ति बना दे, उसकी रोटी भी देव शक्ति बना दे, जब तो हम जाने कि भाई हाँ देव शक्ति है। ऐसा हमारा सोचना है लोगों का। ऐसा सुनकर हम निरुत्तर हो गए। मैंने कि भाई बात तो सही है, हम अपना काम करना नहीं चाहते और ये आशा करते हैं कि भाई वह देव शक्ति करेगी। जैसे अभी लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई कौन बचाएगा, वह आएगा। हाँ भाई आएगा तो सही, तुम्हारा नौकर है वह, खुद कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इंटरप्रेट ऐसे कर देंगे कि ऐसा ऐसा हो गया। सुना, ऐसा सुनकर हम निरुत्तर हो गए, भाई देव शक्ति की बात भी सही है। कर्म फल का यही रहस्य है,
कर्म फल का यही रहस्य है, कुछ भगवान करेगा तो कुछ तुम भी करो। भगवान अपना काम करेगा और तुम अपना काम करोगे, यह इसी सिद्धांत से निकलता है। भगवान अपना काम करेगा तो तुमको अपना काम करना है, तुम यानी इसे ये भी निकलता है कि तुम अपना काम करोगे तो भगवान भी जरूर काम करेगा। इससे ये निकलता है कि सो गॉड हेल्प्स देम, सो गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देम सेल्वेज। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर उन्हीं की ज़्यादा सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। फिर इससे परिणाम निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, फिर इससे परिणाम निकलता है कि ईवीएम घपला हुआ 2004 में, सुन लो, ईवीएम घपला हुआ 2004 में, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब पब्लिक ने, किसी ने कुछ नहीं किया, लोगों को पता नहीं, पता नहीं तो क्या करें भगवान। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, आपकी अज्ञानता के लिए कोई माफ़ी नहीं है, अज्ञानता का तो फल मिलेगा। ईवीएम का घपला हुआ, अपन को कोई चिंता नहीं है, सारा देश सो रहा है, नेता सो रहे हैं, बस गद्दी चाहिए। ईवीएम का घपला हुआ प्लस क्या हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही और कांड हुए, पुलवामा हुआ, पुलवामा कांड हुआ, बफोर ये जो कौन सा ये, और बहुत से कांड हुए। इसलिए पुलवामा कांड हुआ क्योंकि हम यहाँ जागृत नहीं हैं, यहाँ जागृत नहीं थे, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है कि ये भी करो, इसलिए पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड जैसे कुछ हुआ, फिर उसके बाद हम क्या है कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर वही हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए सीए बना कि यहाँ तो पोल पट्टी है, कुछ भी करो और मांग लो, इसलिए सीए बना। फिर वही हमने ऐड किया कि हम कुछ नहीं करेंगे, भाई सीए में कुछ नहीं करेंगे। तुम कहोगे कि भाई सीए में कुछ नहीं किया, सीए में किया था, देखो ना वो आंदोलन चला, क्या आंदोलन चला, कोई आंदोलन देश के लोगों ने नहीं चलाया, ये थोड़े बहुत माइनॉरिटीज़ की औरतें बैठ गई, ये कोई आंदोलन है क्या, ये भारत की तरफ से शर्म है, भारत के लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि सीए क्या है। 90% हिंदू यही बोलते रहे, अरे ये हमारे लिए थोड़ी है, ये तो उनके लिए बना है, उनके लिए जैसे कि वो तो भेड़ बकरी हैं। भारत के लोगों को समझ में नहीं आया, और फिर कोई दूसरे लोगों ने साथ ही नहीं दिया, ये तो अच्छा रहा कि उसकी वजह से वो एक्सटेंड हो गया, सीए बना। फिर उसमें ये हुआ कि हम कुछ नहीं करेगा, लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए तीन किसानी बिल आए, इसीलिए कोरोना इत्यादि आए। फिर इसमें हम हुआ कि हम फिर कुछ हम नहीं करेंगे, फिर कोरोना आया, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार तीन किसानी बिलों में किया तो है, क्या किया है, कुछ नहीं किया। सही पूछा जाए तो किसान आंदोलन एक शर्म का पहाड़ है, एक शर्म का पहाड़ है। ये किसानों ने तीन किसानी बिलों को वापस करवा दिया, लेकिन देखा जाए तो किसान जैसे अज्ञानी कोई नहीं, वो यही नहीं जानते किसानी बिल क्या थे और हमने क्या ले लिया, क्या करना चाहिए था। जिन्होंने नेशनल इशू एक भी नहीं उठाया, ऐसे किसानों को भगवान क्या फल देगा, नहीं दे सकता। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे, कोरोना टीकाकरण इसमें कुछ नहीं किया, अब पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है, लेकिन लोग अपने नींदों में पड़े हैं, अब इसलिए आ रहा है कि करो या मरो, करो तो बचोगे, नहीं करोगे तो मरोगे, कोई एक एक आदमी तुमको कहाँ बचा जाए, कोई भगवान ही कहाँ बचा जाए, वह बचाएगा। वह मुगलों के समय, वह अंग्रेजों के समय, वह सखुण किसान के समय क्यों नहीं आया, वह औरतों को
चिता जिंदा चिता में ढकलते के समय भगवान क्यों नहीं आता। वो भी कहता होगा कि ऐसे उल्लू लोगों के लिए तो जाना क्या, जिनको मैंने सारी शक्तियाँ दी हैं तो भी वो इतना सा नहीं कर सकते। हमारे फलने, हमारे दुख पाने का, गुलामी का यही कारण था। असल में सही पूछो तो हमारे देश में मुग़ल, सखून, कुषाण आए, हमको लूटा, डंडे मारे, हमारे हमको क्या क्या हुआ। वह इसीलिए आया कि हमने कुछ बीज बोए होंगे और यहाँ के लोगों ने खुद अपने गरीब भाइयों के लिए भयानक बीज बो रखे थे और आज जो उथल पुथल आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ के धन्ना लोगों ने गरीबों के लिए बड़े भयानक बीज बोए हैं और देश तहस नहस इसलिए होकर रहेगा कि अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलती। लाखों जिंदगी चीत्कार करेंगी, या तो अभी खड़े हो जाओ, सुन लो, सब अपनी अपनी तरफ से कहते हैं और वह क्या है कि क्या करना, वही करना जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलती है। अभी कर लो या थोड़ा ठहर के करना, मर आधे मर के करना, भुगत के करना, पिट के करना, क्योंकि यह भारत के लोगों की तस्वीर है। कोई क्या कर सकता है, वह कर जाएगा। सारे लोग, बहुत लोग मरेंगे और बड़े बड़े ज़्यादा मरेंगे, देख लेना, तब जाकर सिस्टम ऐसे से हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस बनेगा। ऐसे नहीं बना जाएगा। इतनी अकल कहाँ है भारत के लोगों में कि अभी समझ जाओ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।